हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ खास जानकारी, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको अपराजिता के पौधे के बारे में। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि अपराजिता का प्लांट शुभ होता है, घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आज मैं बात करूँगी। और आप ये समझ लीजिए कि प्रकृति में हम रह रहे हैं और हमें ऑक्सीजन से लगा करके जो भी हमें भोजन मिलता है वो पेड़ पौधों से ही तो मिलता है। चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, ऑक्सीजन हो, औषधि हो, मतलब आप कुछ भी आप मान लीजिए, तो वो हमें प्रकृति से ही मिलता है, पेड़ पौधों से ही मिलता है। चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, सब्जियां हो, फल हो, आप तो ये जानते हैं ना। तो हमारे लिए कोई भी पेड़ पौधे जो हैं वो नुकसान कैसे दे सकते हैं, वो तो हमें एक तरह से जीवन देते हैं। तो बहुत से लोग भ्रम फैला रखते हैं कि ये शुभ है, अशुभ है, इसको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों ने तो ऐसा भ्रम फैला दिया है कि ये चीज़ें, ये पेड़ पौधे हैं और ये आपके लिए ठीक नहीं होंगे, इसको ऐसे नहीं लगाना चाहिए, इसको वैसे। दोस्तों, मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा भ्रम से ऊपर उठिए। इतने सुंदर पौधे हैं ये, इतने अच्छे अच्छे प्लांट हैं, आप अगर घर में लगाएंगे तो आपकी पॉजिटिविटी ही बढ़ेगी। तो दोस्तों, कुछ बड़े पेड़ पौधे हैं जैसे कि बरगद है, पीपल है, हाँ इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, इसलिए इनको घर से दूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, बाकी तो और भी कोई भी पेड़ पौधा हो, प्लांट हो, आपके घर में हमेशा शुभ रहेगा, पॉजिटिविटी देगा। अब बात करती हूँ कि अपराजिता का पौधा आपके लिए शुभ है या अशुभ है, आपको घर में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अपराजिता का पौधा बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा है और इसको घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बेल और आप इसका प्लांट किसी भी रूप में रख सकते हैं आप। इसके जो फूल होते हैं वो नीले कलर के होते हैं, इसे शंख पुष्पी भी कहते हैं क्योंकि शंख जैसे आकार का होता है। और ये विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है, लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। शिव जी पे अगर आप शंख पुष्पी के यानी कि ये अपराजिता के फूल चढ़ाते हैं तो उनकी आपको अलग से इतनी अच्छी कृपा मिलती है, क्योंकि आप जब मनोकामना के लिए आप जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, और अपराजिता के आप 5-6 फूल ले जाइए और शिव जी से प्रेयर कीजिए, आप देखिए आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। दोस्तों, रही बात अपराजिता का प्लांट, अपराजिता नाम इसलिए क्योंकि आपको किसी भी तरह का कोई भी शत्रु से भय नहीं रहेगा। शत्रु हैं वो आप पे हावी नहीं होंगे, अगर आप अपनी तरफ से अपनी साइड अच्छे हैं, ठीक हैं, तो आपकी ही जीत होगी। अपराजिता का प्लांट जो है वो धन में वृद्धि करता है, मान सम्मान में वृद्धि करता है और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उससे निजात दिलाता है, यानी कि कोई भी परेशानी को जल्दी आने ही नहीं देता। इतने ज़्यादा फायदे हैं दोस्तों। तो अपराजिता का जो प्लांट है, जो कहते हैं कि इसको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये तो पूछने की बात नहीं है। तो इतना शुभ पौधा है, आप इसके फ्लावर्स देखिए कितने सुंदर हैं, तो इसको तो ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। अपराजिता का पौधा लगाने से कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है और कहते हैं कि अपराजिता के पास बैठने से ही आपका मन बड़ा खुश होगा, मन बड़ा शांत होगा और मन की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, माँ दुर्गा पर भी अपराजिता के फूल चढ़ाने से, उनको अर्पित करने से आपकी जीत तो होती है, साथ में आपको जो भी परेशानियाँ आ रही हैं ज़िंदगी में, जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी जो मुश्किलें हैं, अगर आप नवरात्रों में अर्पित करते हैं माँ दुर्गा को, तो आपकी वो मुश्किलें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ऊपर से सुख संपत्ति और आपके पास, आप ये सोचिए कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं अपने जीवन में लाना, वो चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर आएंगी। तो इतनी ज़्यादा पावर है सारी समस्याओं को ख़त्म करने की। तो दोस्तों, अपराजिता के इतने सारे गुण हैं, आप ये जानते हैं कि ना, कि कोई भी पेड़ पौधा है ऐसा हो नहीं सकता जिसमें कोई गुण हो ही ना, जिसकी दुकानदारी ना चलती हो, वो अगर अपराजिता के पुष्प को अपने गले में रखे तो उनकी दुकानदारी बहुत अच्छी चलने लगती है। तो अपराजिता का पौधा किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो उनमें ज़रूर निजात दिलाता है दोस्तों। अब मैं बताने वाली हूँ आपको अपराजिता के दिव्य और चमत्कारिक प्रयोग, कि अपराजिता कितना ज़्यादा शुभ पौधा है, इसके फूल कितने ज़्यादा शुभ हैं। अगर शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, शनि की दशा है और शनि की दशा में खराब फल दे रहे हैं, तो यानी कि आपके ऊपर शनि की दशा का खराब फल होने का मतलब ये है कि आपकी कुंडली में शनि ठीक भाव में नहीं है, यानी कि अच्छे फल देने वाले भाव में नहीं बैठे हैं। कुछ इल प्लैनेट का इफेक्ट है या फिर कोई ख़राब फल देने वाले प्लैनेट के साथ बैठे हैं या फिर खुद ही अशुभ भाव में बैठे हैं या खुद ही अशुभता बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर शनि खराब फल देने वाले हैं आपकी कुंडली में और शनि की दशा भी आ गई है,
तो भी आप शनिवार को सात फूल हर शनिवार को, यानी कि हर शनिवार का मतलब है कि सात शनिवार तो आपको जरूर करना है, सात शनिवार सात अपराजिता के नीले फूल, एक तो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं दोस्तों और एक होते हैं नीले रंग के फूल, तो नीले रंग के जो पुष्प हैं अपराजिता के वो आपको नीले रंग के वाले, नीले रंग के देखिए जैसे नीले रंग के हैं ना, आपको ये पुष्प आपको सात शनिवार को शनि देव पर अर्पित करने हैं और प्रार्थना करनी है कि जो भी भूल चूक हुई है जिसकी वजह से मुझे ख़राब रिजल्ट मिल रहे हैं या फिर परेशानियां उठानी पड़ रही हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा आपको राहत देंगे। तो प्रार्थना भी करनी है दोस्तों। शिवलिंग पर अगर आप अपराजिता के पांच पुष्प आप चढ़ाते हैं और उसके बाद पूरी पूजा करने के बाद आप वही पुष्प उठा करके आप अपनी पर्स में रख लेते हैं या फिर अपनी जेब में रख लेते हैं तो, और फिर उसके बाद वो तो आपको लाभ देंगे ही, लेकिन अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपके विरोधी परास्त होंगे और आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि अपराजिता नाम है तो आपकी ही जीत होगी अगर आप सही हैं तो। अपराजिता का पौधा मान सम्मान में बहुत वृद्धि कराता है दोस्तों। अगर आपका पब्लिक डीलिंग का काम है या फिर आपका सोसाइटी में अच्छी जगह उठना बैठना है, पब्लिक में आपका आना जाना है, लोगों से मिलना जुलना है, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें मान सम्मान की वृद्धि होनी ज़रूरी है तो हर तरफ से मान सम्मान की आपको वृद्धि मिलती है। तो अपराजिता के इतने सारे फ़ायदा है। अपराजिता का पौधा लगा होने से कोई नज़र नहीं लगती दोस्तों, नज़र दोष बिल्कुल भी ख़त्म कर देता है। अगर नज़र भी लगी होती है तो ये नज़र को ख़त्म भी कर देता है और नज़र लगने भी नहीं देता। तो दोस्तों पौधा लगाने के इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं और आप अपराजिता के पुष्प जो हैं वो आप यूज़ में ला सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं पौधा लगाएंगे उसी से ही आपको पुष्प मिलेंगे और कहीं तो आपको कोई, या तो आप दूर दूर तक कहीं पर दिखता ही नहीं है अपराजिता का प्लांट। तो दोस्तों इतने सारे बेनिफिट जो मैंने आपको बताए हैं और इतने चमत्कारी जो प्रयोग हैं ये आप करेंगे, उपाय करेंगे तो आपको उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत शुभ फल मिलेंगे। दोस्तों अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो थोड़ी देर अपराजिता के पौधे के पास बैठ करके किताब लेकर के थोड़ा पढ़ने लगें तो आप देखेंगे कि उनकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी, मन की शक्ति बढ़ती है, मन पढ़ाई में लगने लगता है तो इसी तरह से आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है। दोस्तों ये जो आप उपाय जो मैंने आपको बताए अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको इतनी जल्दी और इतने अच्छे आपको उसके प्रभाव नज़र आएंगे कि आप खुद कहेंगे कि अपराजिता का पौधा तो मुझे ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि अपराजिता के पुष्प जो हैं वो उपाय में बहुत ज़्यादा कारगर हैं और विष्णु प्रिया नाम भी है नीले रंग के फूल का, तो इसलिए विष्णु जी को भी प्रिय है तो भगवान भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप कोई भी मुसीबत है कोई भी परेशानी है आप श्रद्धा भाव से अपराजिता के पुष्प अर्पित करते हैं भगवान पे, अगर आप अर्पित नहीं भी करते हैं तो भी आप देखेंगे अपराजिता के पौधा लगाने से ही आपको कितने शुभ फल प्राप्त होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर